डियर अमन, उम्मीद करता हूँ तुम ठीक हो और ये भी कि एक खत तुम्हें समय पर मिल गया होगा। इस खत को यूं लिखने की एक खास वजह है। मैं तुम्हें एक दिन की कुछ यादें बताने जा रहा हूँ। उस दिन की शुरुआत कुछ इस तरह हुई। वो सुबह ये एहसास करा गई कि कुदरत की कितनी ही बारीकियों को हम हर रोज नजरअंदाज कर देते हैं। बस जरूरत है तो कुछ पल उनमें ठहरने की। वो कहते हैं ना कि दिल की बातें कहने के लिए लफ्जों का होना जरूरी नहीं। अब नैना तो अपने दिल की बात पहले ही कह चुकी थी, तो मुझे लगा क्यों ना मैं भी अपने दिल की बात कह दूं। माँ को खाना बनाते देख बचपन की यादें ताज़ा की और सोचा क्यों ना आज कुछ नया किया जाए। उन लम्हों का स्वाद तो उम्मीद से कहीं बेहतर निकला।
अब ढलते दिन से जुड़ी आदत को तुम जानते ही हो। उस शाम आसमान में बिखरे रंग दिल को बहुत सुकून दे रहे थे। कि अचानक दिल ने कहा, क्यों ना इस आदत को आखिर यहीं छोड़ दिया जाए। और उस फैसले की खुशी में मैंने पुराने दोस्तों को शामिल कर लिया। ये जानकर खुशी और भी बढ़ गई कि हमारे बीच आज भी कुछ नहीं बदला। फिर देर रात एक किताब उठा ली। किताब के पन्नों में जब बाबा की तस्वीर मिली तो आंखें भर आईं। मैंने हिम्मत की और बाबा से कई बरस बाद बात की। बाबा ने कुछ ही पलों में सारी नाराजगी दूर कर दी। और इस तरह वो खूबसूरत दिन बीत गया। लगता है ना सब एक सपने जैसा। अमन उस एक दिन को, उस एक खूबसूरत दिन को, दरअसल मैं अपनी जिंदगी का हिस्सा कभी नहीं बना सका। हर रोज किसी नए संघर्ष में हम धीरे धीरे खुद को खो रहे हैं, इस बात से बेखबर कि जिंदगी तो चंद लम्हों की सादगी में बसी है। अपने हालातों में रहकर ये बात मैं तुमसे शायद किसी बेहतर तरह से ना कह पाता। हमारी दोस्ती को भले ही लंबा समय ना बीता हो, पर अपने आखिरी दिनों में मैं तुमसे यही कहूँगा, उन चंद लम्हों को वक्त रहते अपना बना लेना।